दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो कहता है कि समीकरण मोड एक्स स्क्वायर माइनस थ्री मोड एक्स प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो, और ये हमसे पूछते हैं कि इसमें कितने वास्तविक मूल होंगे, यानी कि जो उसकी इक्वेशन के जो मूल आएंगे यानी कि जो सॉल्यूशंस आएंगे उनकी संख्या क्या होगी। ठीक, तो हमारे पास इस तरह से है मोड स्क्वायर माइनस थ्री मोड एक्स और प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। तो सबसे पहले तो आप इसको ऐसे ही ऑपरेट कीजिए कि जैसे हम इसको नॉर्मली सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, मोड एक्स का स्क्वायर और माइनस थ्री को आप क्या लिख सकते हैं, अब क्योंकि हमें टू की फॉर्म में इसको सॉल्व करना है। ठीक, तो टू के ऐसे गुणनखंड जिनको जोड़ने या घटाने पर थ्री आ जाए वो क्या होंगे, टू प्लस वन, तो हम इसको कर देंगे टू प्लस वन, और लास्ट में आपका आ जाएगा मोड एक्स और प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ से आपका आ गया मोड एक्स का स्क्वायर माइनस टू मोड एक्स और माइनस मोड एक्स प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ से आप मोड एक्स कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर आपको बचेगा मोड एक्स माइनस टू, और यहाँ आप माइनस वन कॉमन ले लीजिए तो आपका बचेगा मोड एक्स माइनस टू। ठीक, और इज इक्वल टू ज़ीरो। अब उसके बाद आपके पास जो रूट आएंगे वो आएंगे मॉड एक्स माइनस वन और मॉड एक्स माइनस टू। ठीक, तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें आपकी आई हैं। अब अगर हम मॉड एक्स माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो रखते हैं तो आपके पास जो रहेगा वो कुछ इस तरह से होगा। देखिए मॉड एक्स जो है यहाँ पर दो वैल्यू देगा, एक प्लस में और एक माइनस में, यहाँ आ तो रहा है। अगर हम मॉड एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे, मॉड एक्स माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो रखते हैं तो एक्स की मॉड एक्स की दो वैल्यू आएंगी, एक आएगी आपकी प्लस टू और एक आएगी आपकी माइनस की टू। ठीक, इसी तरह से जब हम मॉड एक्स माइनस वन को ज़ीरो रखेंगे तो यहाँ से भी इसकी दो वैल्यू आएंगी, एक प्लस वन और एक माइनस वन। ठीक, तो इस तरह से हमारे पास कितने नंबर हो गए, यानी कितने सॉल्यूशन हो गए, एक दो और तीन चार, तो टोटल चार सॉल्यूशन हमारे पास हो गए। तो यहाँ से आपका जो ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक, चलिए।